त्रेता युग में रावण से भी अधिक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम सहस्त्रबाहु था। उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी जो नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। वर्तमान में यह स्थान मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी के पास महेश्वर नगर है, जहां सहस्त्रबाहु को समर्पित मंदिर भी स्थित है। अपने समय में सहस्त्रबाहु अत्यधिक शक्तिशाली तथा पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने तीनों लोगों के राजा रावण को भी पराजित कर दिया था और उसे अपने कारावास में बंदी बनाकर रखा था। उनके बचपन का तथा वास्तविक नाम अर्जुन था, लेकिन इसी के साथ उन्हें कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता था। आइए जानते हैं उनके वास्तविक नाम, विभिन्न नाम और उनका अर्थ। कार्तवीर अर्जुन, यह नाम उन्हें अपने पिता के कारण मिला। उनके पिता का नाम कृतवीर्य था, जिससे उन्हें कार्तवीर्य बुलाए जाने लगा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 तथा बाहु का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हों। सहस्त्रार्जुन को अपने गुरु दत्तोदय के इस द्वारा मिले वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं मिली थी, जिसके बाद उन्हें सहस्त्रबाहु या सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से बुलाया जाने लगा। है वंशाधिपति, सहस्त्रार्जुन अपने वर्ष में सबसे प्रतापी राजा थे। उन्हें है वंश का प्रमुख अधिपति भी कहा गया। महिष्मती नरेश, महिष्मती नगरी के प्रमुख राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। दशग्रीव विजय, लंका के दशमुख वाले राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें इस नाम की उपाधि मिली थी। सप्तद्वीपेश्वर, सातों द्वीपों पर राज करने के कारण कार्तवीर्य को इस नाम से भी जाना गया। राज राजेश्वर, राजाओं के भी राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से पहचान मिली। इसी नाम से उनका मंदिर भी यहाँ स्थित है। इन्हें कभी कभी सहस्त्रभुज भी कहती हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में यो आया है। अपने पिता के बाद सहस्त्रबाहु महिष्मती नगरी के परम प्रतापी राजा बने। राजा बनने के पश्चात उनका पृथ्वी के कई महान योद्धाओं से युद्ध हुआ था। सहस्त्रबाहु का रावण से युद्ध। एक बार रावण विश्व विजय के अभियान से महिष्मती नगरी आया था तथा नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। तब सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं के बल से नर्मदा नदी का पानी रोक दिया था तथा रावण को पराजित करके उसे बंदी बना लिया था। उसके बाद रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य के कहने पर उन्होंने रावण को अपने कारावास से मुक्त किया था और लंका वापस जाने दिया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है, तभी हम आपके लिए भविष्य में ऐसी रोचक जानकारी और ला पाएंगे। धन्यवाद।